शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। रात को 1 बजे गाड़ी यहाँ से निकली थी सर। नो सर, मैं रात से यहाँ से हिला नहीं हूँ सर, ये गाड़ी यहाँ से पास नहीं हुई। अरे वो लोग टोल नाका से निकले, यहाँ नहीं पहुंचे तो गए किधर? सर सब बीच में एक कच्चा रास्ता है जो आगे जाकर हाईवे पे मिलता है। वोए, वोए। अरे लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। आदि ये तू कहाँ ले आया यार? अरे बिलीव मी, मैं गोवा के सारे शॉर्टकट जानता हूँ। अरे ये कौन सा शॉर्टकट है? शॉर्टकट है ये, 50-60 हज़ार झाड़ क्रॉस करो, 2-4 नदियां क्रॉस करो, बैंग यू ऑन हाईवे बॉस। तू झाड़ गिन रहा है ना? झाड़ को बामन चुप कर यार। अरे मैंने नहीं निकाली यार। तू ये क्या कर रहा है? लेस बांध रहा ताकि तेज भाग सको। मेरे को क्या लगता है तू शेर से तेज भाग सकता है? पागल हो गया क्या? शेर से तेज किसको भागना है? मुझे तो सिर्फ तुम तीनों से तेज भागना है। मेरे पीछे रहना, मेरे पीछे रहना तुम लोग। ब्रिज तो टूटा हुआ है। हाँ। अरे मारो दी करो, मारो दी करो, अरे मारो दी करो, अरे कभी ने मेरे दीकरे को मार डाला, मारो दी करो, मारो दी करो। कसम है, कसम है मुझे तेरे इंजन ऑयल की, मैं उस हराम खोर को पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कमों को खिला दूंगा। ए आदि। हाँ। रोड कब आएगा यार? रोड नहीं आएगा, हम लोग को रोड की तरफ जाना है। ओसे आ गया। ये रोड आ गया? नहीं, डेड एंड आ गया। भागने की कोशिश मत करो, मेरी रिवॉल्वर की गोली तुम लोगों से ज्यादा तेज भागती है। आपको ऐसे क्यों लगा कि हम लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं? गेस कर रहा था। तुम्हें क्या लगता था तुम मुझे झांसा देके निकल जाओगे? देखिए सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो हमारे दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हम वहां से भाग गए थे। मगर मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा था ना। हाँ तो हम तेरे बाप के नौकर है कि तेरा ऑर्डर मानेंगे? ऐसे मैं नहीं, ऐसे ये कह रहा था। शट अप। अच्छा ये बताओ, तुम में से पहले मरना कौन चाहता है? तुझे मरने की जल्दी है तो फिर आगे क्यों आया? मैं कहाँ गया आया? मैं पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। ऊपर जाके आराम से सोच लेना। देखिए प्लीज, आप गोली मत मारिए। देखिए देखिए, आप जहाँ बोलिए वहाँ जाएंगे हम लोग, हम घर चले जाएंगे, जानू चले जाएंगे, पुलिस स्टेशन चलेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर। हम लोगों की शादी भी नहीं हुई है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? मैं यहाँ हूँ। शोले मैंने भी बहुत बार देखी है, समझा? वेल ट्राइड आदि, वेल ट्राइड। थैंक यू। इसमें तेरी फॉल्ट थोड़ी, उसने शोले देखी। या बहुत हो गया, अभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ सर, आप वहां से शुरू कीजिए ना, तब तक मैं तैयार हो जाऊंगा। हर पाप का एक पाप होता है। हाँ, और उसे हम दादाजी कहते हैं। तू हमें मौत का खौफ दिखा रहा था ना? हाँ? अरे हम तो रोज मौत का खेल खेलते हैं। इंस्पेक्टर चल, आज तू और मैं मौत का खेल खेलते हैं। इसमें गोली है। मुझे पता है रॉय, इसमें सचमुच गोली है। मर जाएगा। हाँ। मुझे पता है ना। आई नो इसमें गोली है। यू रेडी इंस्पेक्टर?
to play the game of death. You scared? It's okay. Shh. Oh, bach gaye. He saved. Ab meri bari hai. Correct. Yes. नहीं गोलियां रॉय भाई रुक जाओ ये मौत का खेल इंस्पेक्टर और डिटेक्टिव रॉय के बीच में राइट राइट अबे मर गए हादी ही इज नॉट सो स्मार्ट यस रॉय बहुत हो गया मरने से पहले बोस ने क्या बोला था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा मुझे अपनी जान प्यारी है सर मैं बताता हूँ वो बोस ने मरते वक्त कहा था कि 10 करोड़ रुपए उसने चिपलून के मेन चौराहे से 40 फुट दूर चीकू के पेड़ के 4 फुट नीचे गाड़ के रखे है चिपलून चिपलून धोखेबाजो मक्कारो ये ब्लडी बास्केट तुम लोगों ने मुझसे झूठ कहा तुम लोगों ने बोला कि वो आदमी ने वो 10 करोड़ रुपए गोवा के सेंट सेबेस्टियन गार्डन में किसी डब्ल्यू के नीचे छुपा के रखे तुम लोग दोस्ती के नाम पे कलंको यू चीटा कॉक्स बस मानव बस अरे क्या कहा तूने थैंक यू मानव थैंक यू वेरी मच यू वेलकम एक्सक्यूज मी मेरे पास एक प्रपोजल है देखिए वो पैसा हम लोग आपस में बांट भी तो सकते हैं ना सारा पैसा आप सरकार को दे देंगे आपको क्या मिलेगा करेक्ट 10 साल ईमानदारी की नौकरी करने के बाद क्या मिला मुझे हाँ यवतमाल में ट्रांसफर इसीलिए वो 10 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में नहीं मेरी जेब में जाएंगे एक बात और तुम रोज मौत का खेल खेलते हो ना एक गेम मेरे साथ भी हो जाए भाई साहब किधर जा रहे हैं? अरे छोड़ दो अरे यार अरे हेलमेट मानव तो हंस क्यों रहा है वो इंस्पेक्टर क्या चप्पू है स्टूपिड गला बांधा हाथ बांधे पैर तो बांधे ही नहीं चल गोवा चलते लेट्स गो अबे रुक यार तू गार्डन में घूमने आए सीधे खड़े रहे वरना चारों मारे जाएंगे चारों ऑफ कोर्स चारों मारेंगे तेरे गले में जो फंदा है ना वो सीधा जार के उस तरफ क्रॉस करके बमन के गले में और मेरे गले में जो फंदा है ना वो जार के उस तरफ क्रॉस करके सीधा रॉय के गले में हम चारों में से कोई भी हिलाना तो चारों मारेंगे वाओ आदि यू सो क्लेवर थैंक यू आदि चुप कर यार और स्पेशली इससे बात मत कर ये सब कुछ इस मानव की वजह से मैंने क्या किया यार अबे तूने उस इंस्पेक्टर के सामने सब उगल दिया और वो हमें यार लटका के चला गया यार तेरे हाथ में पिस्तौल थी तूने क्या किया मौत का खेल खेल मौत का खेल लटक गया सब अबे वो तो मैं यूं देखो यार अभी तुम लोग ऐसा झगड़ा करते रहोगे मैं जा रहा हूं यार हिला नहीं वहां से मैं कुछ सोचता हूं हाँ तू सोच मेरे लिए भी सोच ए तेंदुआ वो देखो स्लोली बड़ा भी हो रहा है अबे स्लोली बड़ा नहीं हो रहा है गधे वो हमारे नजदीक आ रहा है ओ खुदाई देखो इतना पसीना क्यों निकल रहा है अबे पसीना नहीं है तेंदुए को देख के निकल गई है साले की मारो पकड़ के देखो हेलमेट अभी तू गीला हुआ है ज्यादा हिलेगा तो पीला भी हो जाएगा यहाँ से जिंदा बचा तेरा खून कर दूंगा मैं देखना अबे बकवास मत कर तेंदुआ हमारे नजदीक आ रहा है उसे भागा भागा कैसे अबे शेर की आवाज निकाल शेर की अबे तू उसको भगा रहा है या खाने पे बुला रहा है शेर की आवाज निकाल शेर की
Well done, well done, Kamal. You're so smart also. सीधा खड़ा रहे। माना भील मत, सब गिरेंगे। मेरी पैंट में कुछ घुस गया है। गुदगुदी हो रही है। अरे गुदगुदी सब मरेंगे, माना भील मत। बच गए, 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 बच गए। वो साला इंस्पेक्टर, वो तो अब तक काफी दूर पहुंच गया होगा। नहीं, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तेरे को कैसे मालूम? क्योंकि जब मैं बेहोश हुआ था तब। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ना वो इंस्पेक्टर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। पाइप बदलने में 15-20 मिनट लेंगे साहब, तब तक आप सामान ढाबे पे चाय वाय पी लीजिए। जल्दी करना यार। अभी करता हूं। मैंने कहा था ना कि वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। मुझे बहुत जोर से आइडिया है। एक काम करते हैं, उसकी गाड़ी लेके भाग चलते। गाड़ियों तो भागने की क्या जरूरत है? ये वो पॉइंट। इस बार वो इंस्पेक्टर हमें पकड़ेगा तो अलग तरीके से लटकाएगा, और इससे पहले कि हमें फिर से लटकाए हमें उसे अटका देना चाहिए। जी कहिए। सीबीआई इंस्पेक्टर आदि। इंस्पेक्टर रॉय। कहिए। पाशा कहाँ है? पाशा? हाँ, वो आदमी जो उस गाड़ी में आया था। इस जीप में आया था? हाँ, बहुत ही खतरनाक मुजरिम है और अपने आप को इंस्पेक्टर बताता है। उसने पहले हम पर जानलेवा हमला किया और फिर हमारी जिप्सी लेकर भाग गया। क्या कह रहे हो? जानलेवा हमला किया और फिर जिप्सी लेकर भाग गया। क्या? जानलेवा हमला किया फिर जिप्सी लेकर भाग गया। क्या? दो बार बोल चुका हूँ यार, बहरा है क्या? क्या? और उसके सर पे इनाम भी है। कितना? 15 लाख का। 15 लाख? 15 लाख? 15 लाख? संभाल के। क्या कह रहे हो? सही कह रहे हैं। और जो भी उसे पकड़ने में हमारी मदद करेगा उसे सरकार से 15 लाख रुपए मिलेंगे। 15 लाख? 15 लाख मुझे मिलेंगे। मैं पकड़ूंगा उसे, मैं पकड़ूंगा उसे। ओ, तो तुम लोग जिंदा बच गए? हम लोग तो बच गए पाशा, लेकिन कानून के हाथ से तुम नहीं बच सकते पाशा। पाशा? पाशा कौन? तुम पाशा। मैं पाशा? बोला ना, मैं पाशा। हाँ, पाशा। Your game is over, पाशा। क्या पाशा पाशा लगा रखा है? I'm इंस्पेक्टर कबीर। पाशा भाई, पाशा भाई, दुबई से कब आए? मैं पाशा नहीं हूँ। ओके। अरे मैं पाशा नहीं हूँ। पाशा भाई, पाशा भाई, इंस्पेक्टर आदि आपको कुत्तों की तरह ढूंढ रहा है। आई लव इंस्पेक्टर आदि, आई लव इंस्पेक्टर रॉय भी है। भागो, भागो। पकड़ के थाने ले जाऊंगा, 15 लाख मिलेंगे। पकड़ लो, पकड़ लो पाशा को। 15 लाख पकड़ लो। Oh!
इंस्पेक्टर सवाना मोमैन भाई भाई रुक जाओ वरना वरना क्या वरना नहीं है क्या कह रहा है सेंट बर्न दब जाएगा और 10 करोड़ की सारी इंफॉर्मेशन कमिश्नर चतुर्वेदी के पास पहुंच जाएगी हाँ कंप्लीट मैसेज टाइप्ड है हाँ। सिर्फ दबाने की जरूरत है बटन बटन पर ऐसे तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा कोई परवाह नहीं है हमें 10 करोड़ नहीं मिलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन लेकिन हम वो माल तुम्हें भी नहीं हड़पने देंगे मेरे उंगलियों की रफ्तार तुम्हारे पैरों की रफ्तार से ज्यादा तेज है और रुक जाओ इंस्पेक्टर इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है समझ गया यू वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज देखो मेरे पास इसका सोल्यूशन है 80% 20% 80% हमारा और 20% आपका yes. 20% मेरा जी मंजूर है मैसेज भेजूं भेजूं दे फोन इधर मैसेज मैं भेजता हूं दे अगर मुझे 20% चाहिए होते तो मुझे तुम लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की क्या जरूरत थी मुझे वैसे ही मिल जाता मैं गवर्नमेंट को 10 करोड़ के बारे में बता देता तो 20% ऑफिशियली मेरा फिर उसके ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से मेडल फिर टीवी और पेपर्स में इंटरव्यूज वगैरह वगैरह मैसेज भेजूं नहीं 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 मेरे पास एक और सोल्यूशन है 60-40 करते 60 हमारा 40 आपका प्लीज दिस इज फेयर हमारी बैंड मत बजाइए कुछ तो छोड़िए हमारे लिए डन थैंक यू 60 तुम्हारा 40 में जी थैंक यू थैंक यू इस हिसाब से मेरे कितने पैसे हुए 1.5 करोड़ वो कैसे कैसे क्या अरे 10 करोड़ का 60% कितना होता है 6 करोड़ बराबर और 6 करोड़ की 1/4 क्या हुई 1.5 करोड़ सिंपल है यार ये चौथा हिस्सा कहाँ से आया हाँ अरे 1, 2, 3 और ये चौथा है ना तुम दोनों तो एक ही यूनिट है ना पर वो तो मैं क्या वो तो क्या वो तो अबे कल रात को तूने गाड़ी में कहा था कि तुम दोनों एक यूनिट हो इस हिसाब से 2-2 करोड़ 3 हिस्सों में ही बटेंगे समझा क्या अरे ऐसा थोड़ी होता है यार अच्छा पैसे देने का टाइम होता है लेने का टाइम नहीं होता है हेडलाइट के 6,000 भरने थे तब तुम दोनों एक यूनिट थे अब 6 करोड़ लेने हैं तब तुम दोनों अलग अलग हो गए 2 यूनिट अबे हट 3 हिस्सों में पैसे बटेंगे इसका एक मेरा और एक तुम दोनों का हाँ उस हिसाब से मुझे कितने पैसे मिलेंगे चुप 1 करोड़ बस 1 करोड़ कैसे यार 1.5 करोड़ उसके 1.5 मेरे 3 करोड़ तो 1 पैसा कम नहीं लेंगे हम लोग बस बता रहा हूँ मैं क्या 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 जबरदस्ती है क्या हाँ जबरदस्ती तो अरे है तो क्या मतलब क्या है तो मतलब फोन देता एक मैसेज दबाता हूँ कमिश्नर के पास जाएगा समझा क्या अरे एक मिनट ये कमिश्नर बीच में कहाँ से आ गया मेरी बात सुनो अकलमंदी इसी में है कि तुम सब पैसे इक्वली बांटो और जल्दी करो उस हिसाब से मेरे कितने पैसे हुए सबके 1.5 करोड़ हुए और तुम्हें मंजूर है तो ठीक है अगर ऐसी बात है तो मुझे पापा के गाड़ी के 9,47,000 रुपए अलग से चाहिए अरे मगर क्या मगर मुझे ये पैसे 1.5 करोड़ से अलग चाहिए और तुम सबसे ठीक है रख ले अरे हलवाई रख ले अबे बमन जब तेरे बाप ने तुझे घर से लाख मार के बाहर निकाला था ना तब मैंने तुझे पाला पोसा तेरा रेंट भरा नहीं नहीं करके उसका 1-1.5 लाख रुपए खर्चा है वो भी जोड़ रहा है तो वो भी जोड़ना जो मैंने तुम लोगों को दारू पिलाया खाना खिलाया याशी कराई 80-90 हज़ार तो उसका भी होता है जोड़ो साले कर ली ना छोटी बात दिखा दी ना अपनी औकात तुम लोगों ने तू कौन से शहंशाह की बात कर रहा है भिखारी की औलाद साले तूने मुझे भिखारी की औलाद कहा साले तूने मेरे को धक्का मारा अबे दोस्त होके आपस में लड़ते हो भाड़ में गई दोस्ती हाँ भाड़ में गई साली दोस्ती मारो मार 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 तो अबे गधे मेरे को नहीं इसको मार दे 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 फटका अबे फटीचर बॉक्सर देख के नहीं अरे ये क्या लगा बैठा है शांति से बैठकर फैसला करो चलो फैसला हो गया जो पहले गोवा पहुंचा 10 करोड़ उसके खत्म तू क्या पहले पहुंचेगा भिखारी की औलाद तेरी तो उड़ के जाएगा क्या भिखारी की तो बैंड बजा दी हमने चुप ऐसे बाड़ा कर नशा चुकू होटल ले जाए फटे गो भागे राइट मेरी जीप लेके जा रहे तेरी तो इंस्पेक्टर भी भाग गया भाग रहा है